भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि रोजगार सहायक ने फर्जी जॉब कार्ड बनाकर सैकड़ों लोगों के पैसे अपने अकाउंट्स में डलवा लिए और पैसे डलवाने के बाद उन जॉब कार्ड को फर्जी बताकर डिलीट कर दिए। ग्राम पंचायत मनेरी के सैकड़ों ग्रामीणों ने रोजगार सहायक की शिकायत कलेक्टर से की। ग्रामीणों ने कलेक्टर के समक्ष शिकायत रखते हुए रोजगार सहायक के कार्य में अनियमितता बरतते हुए सरकारी धनराशि का गबन करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि रोजगार सहायक ने फर्जी जॉब कार्ड बनाकर सैकड़ों लोगों के पैसे अपने अकाउंट में डलवा लिए और बाद में जॉब कार्ड को डिलीट कर दिया। और इतना ही नहीं, रोजगार सहायक ने मनरेगा के पैसे को भी अपने खाते में डलवा लिए। ग्रामीणों ने रोजगार सहायक पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि रोजगार सहायक ने शौचालय निर्माण की राशि को भी अपने खाते में डलवा लिए और कागजों पर शौचालय निर्माण को दर्शा दिया। समस्या हमारी जो GRS हैं ग्राम पंचायत मनेरी में, उनके खिलाफ है। पिछले 7-8 वर्षों से उनकी अनियमितता पाई गई थी पंचायत में, और जिसका जो जांच है वो कलेक्ट्रेट में कलेक्ट्रेट सर ने SDM को दिए थे और उनकी इन्वेस्टिगेशन आज पूरी चल रही थी। और फिर जो है बहुत सारे पॉइंट्स पे हुए हैं, जैसे कि उनके 300-400 जॉब कार्ड जो होते हैं हर साल डिलीट होते थे उनके बारे में, और खुद का जॉब कार्ड था, और उसके अलावा जो है आवासों में उनकी जो राशि गबन है उसके बारे में शिकायत है, और शौचालयों में बहुत सारे शौचालयों का फर्जी जो है राशि निकाल कर उनका गबन किया गया। उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर आज इन्वेस्टिगेशन थी, तो उसके सारे ग्रामीण और हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। रोजगार सहायक के द्वारा फर्जी जॉब कार्ड और काम में अनियमितताएँ, इन सारे विषयों में हमने कलेक्टर साहब को मतलब आवेदन दिए। उनकी जाँच आज मतलब किया जा रहा है SDM मैडम के द्वारा, और ढेर सारे ऐसे समस्या हैं जिनके विषय में मतलब आवेदन दिए हैं, उनकी निराकरण के लिए SDM मैडम आया हुआ है और जांच की गई है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।